भारत में टिकटॉक के विकल्प आया एप्लीकेशन चिंगारी एप्लीकेशन की बात करूं तो गाइस इसमें अभी भी क्रिएटर्स का इसमें जुड़ने का सिलसिला अभी भी जारी है, यानी कि इसकी पॉपुलैरिटी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। इसी के साथ इसने एक नया कीर्तिमान और नया एक कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है। मैं बात करूं डेली एंगेजमेंट टाइम की, जी हाँ डेली एंगेजमेंट टाइम में इसने भैया फेसबुक और स्नैपचैट को भी पीछे छोड़ दिया है, वो भी काफी छोटे समय के अंदर अंतराल के अंदर। अभी की बात करूं तो फेसबुक और स्नैपचैट काफी बड़ी एप्लीकेशन है और काफी पुरानी एप्लीकेशन है, और ये चिंगारी एप्लीकेशन की बात करूं तो रिसेंट में ही आया है। जैसे टिकटॉक बैन हुआ तो उसके बाद ही तुरंत अल्टरनेटिव्स के तौर पे कुछ एप्लीकेशन उभरे थे, उनमें चिंगारी एप्लीकेशन सबसे ऊपर उभरा है और साथ में एक नया कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है। अब गाइस बात करूं तो फिलहाल में जो कंपनी ने इन दोनों प्लेटफॉर्म के अभी आंकड़े नहीं प्रकाशित किए, बात करूं तो 2018 के मुताबिक इनके जो एंगेजमेंट टाइम था दोनों प्लेटफॉर्म का वो करीब करीब 35 मिनट था, जो कि अब चिंगारी एप्लीकेशन का 50 मिनट से भी ज्यादा है, यानी कि एक नया कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है। अब ऐसे कुछ बंदों को नहीं पता होगा कि भैया एंगेजमेंट टाइम डेली एंगेजमेंट टाइम क्या होता है, तो उसमें बता दो डेली एंगेजमेंट टाइम का मतलब होता है भैया आप कितना टाइम एक दिन के अंदर उस एप्लीकेशन पे बिताते हैं, यानी कि अभी चिंगारी एप्लीकेशन की बात करो तो अप्रोक्सीमेट 50 मिनट हर यूजर जो भी इसे यूज करता है वो डेली का इसे देता है। साथ में कुछ आंकड़े भी आए हैं जो चिंगारी एप्लीकेशन के प्रकाशित करे अकॉर्डिंग टू कंपनी, इनका कहना है कि इनकी डेली में 95 मिलियन से ज्यादा वीडियोस पर डे की देखी जाती है एक दिन के अंदर। साथ में प्ले स्टोर पर इनकी 4+ रेटिंग चल रही है, और इसकी बात करूं तो भैया 38 मिलियन से ज्यादा से डाउनलोड कर चुके हैं पब्लिक, वो भी काफी कम टाइम ड्यूरेशन में, क्योंकि अभी रिसेंट में ही लॉन्च हुआ था उसी के दौरान 38 मिलियन से ज्यादा इसके डाउनलोडर हो चुके हैं, यानी कि काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है एप्लीकेशन। और सबसे बड़ी बात करूं तो भैया ये इंडियन एप्लीकेशन है, यानी कि मेक इन इंडिया में भी इसे नंबर 1 पे से रखा गया है, जो नंबर 1 कैटेगरी रखी गई थी एप्लीकेशन की मेक इन इंडिया की उसमें भी नंबर 1 पे ही आया है। तो गाइस इसके ऊपर डिटेल वीडियो दी थी मैंने आपको बताइए, इसके कुछ आंकड़े मैंने आपके सामने रखने की कोशिश करी है कि चिंगारी एप्लीकेशन कैसे हो सकता है आने वाले टाइम में टिकटॉक बन जाए इंडिया का, और साथ ही में इंडिया के साथ साथ ये अफगानिस्तान पाकिस्तान और कुछ एशियन कंट्रीज में भी चल रहा है और काफी देखा जा रहा है इस एप्लीकेशन पर, काफी ज्यादा टाइम बंदे एक्सपेंड कर रहे हैं, यानी इसके फ्यूचर में अभी ये देखते हुए इनके क्रिएटर को और इनकी जो कंपनी के ओनर्स हैं उन्हें काफी उम्मीद है और काफी लगन से वो काम कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि फिलहाल में जो रिसेंट के 3-4 महीने उन्हें अच्छा खासा रिस्पॉन्स देखने के लिए मिला है इस एप्लीकेशन पे, और काफी ज्यादा पॉपुलरिटी बढ़ी है इसकी, इंक्रीज हुई है कुछ लास्ट के 3-4 महीने में, तो यानी आगे भी एक अच्छा खासा इनमें स्कोप देखने के लिए मिल रहा है इस एप्लीकेशन में। उसी के साथ क्रिएटर का भी जुड़ने का सिलसिला जारी है इसमें, जो आगे कब तक चलता है देखते हैं। तो गाइस इसके ऊपर वीडियो थी, वीडियो अच्छी लगी तो गाइस लाइक से सब्सक्राइब करें, और कोई भी आपको इस वीडियो से रिलेटेड क्वायरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर रिप्लाई कर दूंगा या फिर वीडियो बना दूंगा। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए।